नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज देखना है हाउ टू ड्रॉ ए पैराबोला बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले आपको क्या किया है, यहाँ पे दिया है ड्रॉ पैराबोला हैविंग डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 60 mm। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है एक्सिस वाला, ये ड्रॉ कर लो। फिर किसी भी जगह पर एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर लो। फिर आपको क्या कहा है कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 60 है। तो आपको क्या करना है, ए से लेके एफ तक का डिस्टेंस 60 मार्क करना है। और फिर ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स 30 पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है आपको, वी से लेके एफ तक का डिस्टेंस लेना है। और क्या करना है, यहाँ पे ऐसे एक आर्क बनाना है वर्टिकल लाइन तक। फिर ये वर्टिकल लाइन को, यह आर्क जहाँ पर कट करेगा वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, हो गया। फिर आपको क्या करना है, कंपास में एनी डिस्टेंस लेना है, कोई भी डिस्टेंस ले लो। और क्या करो, यहाँ पे वी पे रख के आगे मार्किंग करते चले जाओ। फिर ये जो पॉइंट्स मार्क किए 1 2 3 4 5, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो। और जो लाइन ये इंक्लाइन लाइन को कट करेगी वहाँ पे 1-2 ऐसे नाम देते जाओ। फिर आगे क्या करना है आपको, क्या करना है, वन से लेके 1- तक का डिस्टेंस लेना है कंपास में। वन से लेके 1- तक का डिस्टेंस लो, कंपास एफ पे रखो और 1- को कट करो। फिर 2 से लेके 2- तक का डिस्टेंस लो, ठीक है, कहाँ पे रखोगे, एफ पे रखोगे, 2 को कट करोगे, ठीक। वापस 3 से लेके 3 तक का डिस्टेंस लो, एफ पे रखो, 3- को कट करो, ऐसे करते जाना है, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट्स ऊपर और नीचे कट करते जाने के बाद जो पॉइंट्स आएंगे वहाँ से क्या करना है आपको, कर्व ड्रॉ करना है। तो मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये साइड में रखता हूँ तो आपको थोड़ा सा उसको। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, एक्सिस ड्रॉ किया। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ किया। फिर यहाँ से डिस्टेंस कितना था, वो 60 का डिस्टेंस था, तो यहाँ पे 60 मार्क किया और वर्टेक्स का 30 मार्क किया। और फिर यहाँ पे ये वर्टेक्स, ठीक है, और ये आपका फोकस है, ये वर्टेक्स का पॉइंट था, ये ए था, ये डायरेक्ट्रिक्स था, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, कंपास में वी से लेके एफ तक का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। वी से लेके एफ तक का डिस्टेंस लिया और क्या किया मैंने, यहाँ पे एक आर्क बनाया। आर्क बनाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से एक इंक्लाइन लाइन ज्वाइन करनी है, ऐसी हो गई। फिर कंपास में क्या करना है आपको, एनी डिस्टेंस लेना है, आप कोई भी डिस्टेंस ले लो आपके मन से, ठीक है। कंपास में डिस्टेंस लिया और क्या किया मैंने, यहाँ पे रख के आगे मार्किंग करता चला गया, और ये पॉइंट को नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से लाइंस ड्रॉ करनी है, ये जो पॉइंट्स है ना, यहाँ से लाइंस ड्रॉ करने हैं पैरेलल। ये 4, ये 5, 6 और ये 7, ठीक है। ये लाइन्स यहाँ तक ले लो, हो गए। अभी क्या करना है आपको, 1 से लेके ये आपका 1- है, ठीक है, ये 1- है, ये 2- है, ये 3- है, ऐसे आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है, ये 1 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है। लिया मैंने डिस्टेंस, 1 से लेके 1- तक का डिस्टेंस लिया, कहाँ पे रखूँगा, एफ पे रखूँगा, फोकस पे, ऊपर और नीचे मार्क करूँगा। वापस 2 से लेके 2- तक का डिस्टेंस लूँगा, एफ पे रखूँगा, 2- को कट करूँगा, ऊपर और नीचे। वापस 3 से लेके 3- तक का डिस्टेंस लिया, एफ पे रखा, 3 को कट किया, ठीक। वापस 4 से लेके 4- तक का डिस्टेंस लिया, फिर कहाँ पे रखूँगा, एफ पे रखूँगा और 4- को कट करूँगा, ऊपर और नीचे। वापस 5 से लेके 5- तक का डिस्टेंस, एफ पे रखूँगा, ऊपर और नीचे कट करूँगा। फिर ये जो पॉइंट्स आते हैं, ये पॉइंट से क्या करना है आपको, फ्रेंच कर्व से ऐसे एक स्मूथ कर्व ऐसे यहाँ से ड्रॉ करना है,
ठीक है, ये हो गया आपका पैराबोला। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।